ठीक है, सो टाइप्स ऑफ गुड्स में कल हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस अंडरस्टैंड किया था। अब हम टाइप्स ऑफ गुड्स में ना थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्रोड्यूसर गुड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स में आपको ये बताया था कि चार टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं। एक हमारे पास हो गई फाइनल गुड्स, एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक प्रोड्यूसर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं और वो फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। अब देखो, बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसकी दो कैटेगरीज डिवीजन हो सकती है। एक तो वो गुड्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज की जाती हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कैपिटल गुड्स, और दूसरी वो प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज तो होती हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम इंटरमीडिएरी गुड्स भी कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट। सो कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये दोनों ही गुड्स प्रोड्यूसर के गुड्स हैं। ये हमने कल भी स्टडी किया था। कल हमने फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स, इन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। लेकिन अब हम इसको ना प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। जब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करनी होती है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स भी चाहिए जिसके ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ उसको कुछ इन्वेंट्री भी चाहिए होती है जिसको वो यूज करके रॉ मटेरियल की फॉर्म में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास एक मशीनरी है, मशीनरी जो आप बिजनेस में परचेज करके लेके आए। ये मशीन जो आपने परचेज की, ये आपकी प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, लेकिन कौन से, कैपिटल या इंटरमीडिएट? कैपिटल गुड्स, क्योंकि सिंपल है, इससे प्रोड्यूसर जो है वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये हेल्प करेगी, इससे आपकी और ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। वहीं पर इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो रॉ मटेरियल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जो मशीन परचेज करके लेके आए वो मशीन थी शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाने वाली, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल में क्लोथ चाहिए होगा, वो क्लोथ जिससे आप शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाओगे, कॉटन, सिल्क, वूलन, कोई भी वो क्लोथ हो सकता है, कोई भी वो कपड़ा हो सकता है। सो प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है, बिजनेस में यूज की जाती हैं, और ये फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहली कैटेगरी कैपिटल गुड्स और दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर की वो गुड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, जिसके यूसेज से बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट बढ़ती है और उस फिक्स्ड एसेट को यूज करके हम बिजनेस की फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंटरमीडिएट गुड्स भी प्रोड्यूसर की ही गुड्स हैं। ये वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर परचेज तो करता है लेकिन ये उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, यानी स्टॉक में जो वो पैसा लगाता है, और ये स्टॉक आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मशीन बिजनेस में है, बिजनेस में रहेगी फॉर द लॉन्ग रन, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बिजनेस में आया लेकिन वो कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स के साथ चला गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीन परचेज करी मान लो 10 लाख की, हर साल अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 1 लाख की, फिर भी ये मशीन आपकी 10 ईयर्स तक तो चलेगी ना, यानी ये मशीन आपके बिजनेस में रहेगी 10 साल तक, हर साल इसकी 1 साल डेप्रिसिएशन होती रहेगी। सो प्रोड्यूसर की वो गुड्स जो लॉन्ग रन के लिए होती है, जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बिजनेस में ही रहती है,
उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, और ये वो गुड्स है जो फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर की वो गुड्स हैं जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम रॉ मटेरियल में भी कर सकते हैं, सेमी फिनिश गुड्स में भी कर सकते हैं, या फिर फिनिश गुड्स में भी कर सकते हैं। और जब हम इन्वेंट्री या इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो ये वो गुड्स हैं जो लॉन्ग रन के लिए बिजनेस में नहीं आते, ये आती तो हैं लेकिन कन्वर्ट होके बिक जाती हैं, रीसेल हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए आपको थ्रेड चाहिए, बटन्स चाहिए और कपड़ा चाहिए, ये तीनों इसके रॉ मटेरियल हैं। और जब हम इन सबको एक साथ अटैच करेंगे और आगे बेचेंगे तो बटन भी चले जाएंगे, थ्रेड भी चला जाएगा और कपड़ा भी चला जाएगा, लेकिन मशीन हमारे पास ही रहेगी। सो प्रोड्यूसर गुड्स की टू कैटेगरी, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। प्रीवियस लेक्चर में फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स तीनों हो चुकी थी, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो क्वेश्चन है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये एक ना एग्जाम में लाइन लिखी आती है और इसके ऊपर कहते हैं कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, यानी जितनी भी कैपिटल गुड्स होंगी, जितनी भी कैपिटल गुड्स होंगी वो प्रोड्यूसर की गुड्स होंगी, तो सही लिखा है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, जितनी भी प्रोड्यूसर की गुड्स होंगी वो कैपिटल गुड्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर की गुड्स तो दो कैटेगरी में डिवाइड है ना, जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी मतलब जो भी प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाती है, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो भी फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में लेके आई जाती हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो सारी गुड्स प्रोड्यूसर की गुड्स हैं, तो सही है। वो गुड्स जो बिजनेस में आएंगी, जो फिक्स्ड एसेट्स होंगी, वो प्रोड्यूसर की गुड्स कहलाएंगी। लेकिन सारी के सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, सारी के सारी गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स हैं या फिनिश गुड्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर के गुड्स तो हैं लेकिन ये कैपिटल गुड्स नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक तरफ हमारे पास बिजनेस में है टेबल, और एक तरफ हमारे पास है इस टेबल को बनाने के लिए मशीन, और एक तरफ हमारे पास है वो वुड जिससे ये टेबल बनेगा। अगर मैं इसकी कैटेगरी वाइज डिवीजन देखूं तो सबसे पहले मशीन जिससे टेबल बनेगा वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये बिजनेस में लेके आई गई है टेबल बनाने के लिए, तो ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल गुड। और कैपिटल गुड्स हमारी कौन सी गुड्स होती है, प्रोड्यूसर की गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। दूसरी तरफ जो वुड है वो रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल का मतलब है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसके अंदर आती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। और अगर हम टेबल की बात करें जो कि फिनिश्ड बन चुके हैं, ये भी किसके अंदर आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर तो ये रीसेल करने के लिए रखा गया है तो
तो इंटरमीडिएट, अगर फाइनल आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो वो फाइनल गुड। तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, हमारे पास ये दो एग्जांपल्स आ गई। मशीन जिससे टेबल बनाया जाता है वो कैपिटल गुड्स हैं, प्रोड्यूसर के गुड्स हैं। वुड जिससे टेबल बनेगा जो रॉ मटेरियल है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। अब स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितनी भी कैपिटल गुड्स होंगी वो प्रोड्यूसर गुड्स होंगी। लेकिन सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स, सारी की सारी गुड्स जो बिजनेस में यूज होती हैं वो कैपिटल गुड नहीं होती। कैसे? ये मशीन भी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, ये जो लकड़ी है, ये जो वुड है, ये भी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, लेकिन इन दोनों में से कैपिटल गुड्स कौन सी? सिर्फ मशीन, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। तो इसमें आपने स्टेटमेंट में ये लिखना है कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर की गुड्स तो हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो रही है, लेकिन सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती क्योंकि बिजनेस में सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं चलती। कैपिटल गुड्स के अलावा हमें और भी गुड्स चाहिए होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसके ऊपर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपके लिए ईजी होएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होती हैं, फिक्स्ड एसेट की तरह यूज की जाती हैं। लेकिन यहां पर लाइन लिखी है कि सारी मशीन्स ना कैपिटल गुड्स नहीं होती। सिंपल है, अगर मैं मशीन घर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरी गुड, अगर ये मशीन मैं अपने होम में यूज कर रहा हूँ, एट होम, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, या फिर अभी एग्जांपल दी थी सीविंग मशीन की, अगर सेविंग मशीन घर पर यूज हो रही है या वॉशिंग मशीन घर पर यूज हो रही है तो वो भी मशीन, लेकिन वो फिर कैपिटल गुड्स नहीं है ना क्योंकि घर पर यूज हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगी? फाइनल गुड्स या फिर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। वहीं पर दूसरी तरफ सेम मशीन, वॉशिंग मशीन या फिर सीविंग मशीन, अगर टेलर के पास है, वो उसको यूज कर रहा है, फिर वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जाम में काफी बार आई हुई हैं, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स कमेंट। तो आपका आंसर होगा यस, ऑल गुड्स, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज इफ मशीन इज यूज्ड एट होम फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन देन इट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एंड इफ द सेम मशीन इज यूज्ड इन द इन्वेस्टमेंट पर्पस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज कैपिटल गुड्स। दोनों में, दोनों कॉमेंट्स में, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स में कोई कन्फ्यूजन? ईजी है, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लो, एक बार देख लो, उसके बाद ना मैं कुछ क्वेश्चन पुट करता हूँ, उन क्वेश्चन से आप बताना कि ये कौन सी गुड्स हैं। टोटल आपको इंटरमीडिएट और फाइनल इन दोनों में से बताना है। मैक्सिमम एग्जाम में ना यही क्वेश्चन आता है कि बताओ ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है या कैपिटल गुड्स है, ठीक है। एक बार इसको ओवरव्यू कर लो। ओके, सो ओवरऑल जो फोर टाइप्स ऑफ गुड्स हैं वो हमने सारी एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली। मैं उन सबके ना यहाँ पर एक बार नेम लिख देता हूँ, आपको बस ये बताना है, एग्जांपल्स मैं आपको पुट करूँगा, आपने सिर्फ ये बताना है कि वो कौन सी गुड्स हैं, ठीक है, विद रीज़न, क्योंकि एग्जाम में विदाउट रीज़न लिख के आओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो टाइप्स ऑफ गुड्स में जो मेनली एग्जाम में आती है वो है फाइनल गुड्स, सेकेंड इंटरमीडिएट, थर्ड कैपिटल गुड्स।
मेनली ये थ्री ही आती हैं, फोर्थ प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स को लेकर कोई एग्जाम्पल नहीं आती एग्जाम में। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। अब ये इन तीनों में से कौन सी गुड्स होंगी? पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। पब्लिशर बेसिकली वो पर्सन है जिसने कोई बुक बनानी है, है ना? तो बुक बनाने के लिए तो उसको पेपर्स तो चाहिए होंगे, पेपर उसके लिए रॉ मटेरियल हुआ, तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग वो कौन सी गुड्स होंगी? इंटरमीडिएट, करेक्ट। सो फर्स्ट आ गया इंटरमीडिएट, यानी मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 2। नेक्स्ट हमारे पास है बी, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल। जैसे स्कूल में डेस्क वगैरह बेंचेस वगैरह सब पड़े होते हैं ना, तो वो उनका क्या करेंगे? वो फाइनल गुड्स होंगी, वो इंटरमीडिएट तो है नहीं क्योंकि वो बनके तैयार है और स्कूल उसको फाइनली यूज कर रहा है। वो कैपिटल गुड्स भी नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है उनकी, ये ओवर द पीरियड खत्म हो जाएंगी और इनको स्टूडेंट्स यूज करेंगे बैठने के लिए। सो इसका मतलब ये फाइनल गुड्स हैं। फाइनल गुड्स में ये कौन सी गुड्स है? फाइनल गुड्स दो होती है ना, फाइनल गुड्स दो होती है, एक होती है कंज्यूमर गुड्स जो हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, एक होती है कैपिटल गुड्स जो बिजनेस में यूज की जाती है एज अ इन्वेस्टमेंट। तो स्कूल की ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, आपके लिए वो बेंचेस चेयर्स अगर अरेंज कर रहे हैं तो ये उनकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो फाइनल गुड्स तो हैं, लेकिन फाइनल गुड्स में कौन सी गुड्स? कैपिटल गुड्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल कैपिटल गुड्स। वैसे नॉर्मली हमें यही बताना है कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, है तो ये फाइनल गुड्स, साथ में कैपिटल गुड्स हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है मिल्क परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, फाइनल गुड्स है। अब सिंपल हमें पता चल गया यहां से परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, हम घर के इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं मिल्क फाइनल गुड्स तो हैं, ये कैपिटल गुड्स हैं या कंजम्पशन गुड्स हैं? कंजम्पशन गुड्स हैं। और ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? यस, फाइनल नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। वैसे एग्जाम में इतना लेंथी नहीं आता कि सब सब डिविजन्स भी बताओ कि उसमें कौन 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 सी है। सिंपल, फाइनल और इंटरमीडिएट, फाइनल है हमारा आंसर, यहाँ तक भी सही है। लेकिन आगे वैसे पूछ लिया हाउस होल्ड ने परचेज किया है तो इसलिए कंज्यूमर गुड्स हैं, और क्योंकि मिल्क की बात हो रही है तो ये नॉन ड्यूरेबल है, सिंगल एक यूज के बाद खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछते हैं, चॉक डस्टर परचेज्ड बाय अ स्कूल। फाइनल गुड्स हैं? ये फाइनल गुड्स नहीं है। चॉक और डस्टर, जैसे मैं अभी ये मार्कर यूज कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने लिए यूज नहीं कर रहा, ये मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ, यानी ये मेरे लिए एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टूल है, रॉ मटेरियल है। अब जब हम गुड्स की बात करते हैं उसमें तो रॉ मटेरियल जिसको होता है उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, लेकिन सर्विसेज में इंटरमीडिएट कुछ होता ही नहीं है, उसमें टूल्स जो है ना वो इंटरमीडिएट होते हैं। तो चॉक और डस्टर ये सब इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में लाए करेंगे, क्योंकि फाइनल नहीं हो सकते, फाइनल तो वो होते हैं ना जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी हो, ये मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इससे नॉलेज गेन कर रहे हो। तो चॉक और डस्टर अगर स्कूल यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट है, ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एक और ट्राई करते हैं, वीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल।
आटे की चक्की वाले ने जो वीट है वो इस्तेमाल की, वीट मतलब गेहूँ, इंटरमीडिएट है, क्योंकि गेहूँ को वो पीस के आटे में कन्वर्ट करेगा फ्लोर में, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट होगी। तो इजी है, मैक्सिमम आपको आते हैं। एक और ट्राई करते हैं। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, यस, ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि फर्म यानी बिजनेस, बिजनेस में हमने एक रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किया जिसको यूज करके हमें जो भी उसका पर्पस है वो फुलफिल होएगा, हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होएगी, तो ये फाइनल गुड्स है। अगर फाइनल गुड्स में मैं पूछूं तो कौन सी है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ये कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिजनेस में परचेज की गई है। अगर घर पर होती, रेफ्रिजरेटर घर पर होता, तो फिर वो फाइनल कंजम्पशन गुड्स होता। सो फाइनल कैपिटल गुड्स। कितने हो गए हमारे? 6 सफिशिएंट हैं इतने अंडरस्टैंड करने के लिए। दो और ट्राई कर लेते हैं, 8 हो जाएंगे। कोल यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी, कोल क्या, कौन सी गुड्स हुई? इंटरमीडिएट। सिंपल, कोल को यूज करके वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी ये उनके लिए क्या हुआ? रॉ मटेरियल, इसलिए इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रिसिटी तो चलो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी मैं घर पर यूज कर रहा हूँ तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई, अगर वही इलेक्ट्रिसिटी मेरे बिजनेस में यूज हो रही है तो वो फाइनल प्रोड्यूसर की गुड्स हो गई। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं लास्ट। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन अ ऑफिस, कौन सी है? फाइनल गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ऑफिस में यूज हो चाहे घर पर यूज हो, कंप्यूटर हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए ये फाइनल गुड्स हैं। लेकिन ऑफिस में यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये कैपिटल गुड्स हैं, फाइनल कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, अगर घर पर होता तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती। सो दैट्स इट, इतना बहुत है। टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और उसके बीच में भी दोनों टाइप्स देख ली। ठीक है, बहुत है।